नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम आहूजा और आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, सीए जय छायरा सर। वेलकम टू द चैनल सर, वेलकम। पहले तो सर, आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है आजकल? अच्छा चल रहा है यार, एकदम मस्त। बस बढ़िया बढ़िया सर। सर आपके मैंने काफी सारे सेशंस देखे हैं, काफी सारे आप अलग अलग इवेंट्स में आते हैं, आप थोड़ा सा मोटिवेट करके स्टूडेंट्स को जाते हैं। मैं भी बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। तो सर, इट इज एन ऑनर एंड इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू टॉक टू यू, सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फर्स्टली। थैंक्स अ लॉट शिवम। एक्चुअली ऐसा है, व्हाट हैपेंस यू नो, एज अ काउंसिल मेंबर फॉर अ डिकेड आई वाज गोइंग इनटू वेरियस प्रोग्राम्स अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द ग्लोब। But what happens at that point of time, you would definitely go by, what type of forum is there, and आपको किस तरह से बोलना है, you will be within the four corners and speak like that. आज का जो टॉपिक है, मतलब आज आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा मुझे आगे भी एक दो बार मिला है। When I talk to youngsters without any formalities, आप एक तरह से क्या एज अ फ्रेंडली बात कर सकते, तो हाँ मेरे लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस है। राइट सर, राइट 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 सर। पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपको जब देखता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि आपके पीछे जो भी आप करो एक हिडन पर्पस है। व्हाट इज योर पर्पस, लाइक टू हैव सक्सेस और टू स्प्रेड पीस, स्प्रेड हैप्पीनेस, या क्या वो पर्पस क्या है आपका? Let me be very honest, nothing is hidden, right? Life must keep on moving. You must just enjoy your life. मैं थोड़ा 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 कुछ करता रहता हूँ। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना, राइट? थोड़ा सा वेल्थ का ध्यान रखना, थोड़ा सा घूमते फिरते रहना, थोड़ी सी अपनी हॉबीज के ऊपर ध्यान रखना। मैं बहुत बड़ी बड़ी फिलोसॉफीज में जाता नहीं। आई एम जस्ट लिविंग एंड जस्ट ट्राइंग टू सी टू इट, कैन आई लिव हैप्पीली, दैट्स इट। इतना है, शॉर्ट एंड स्वीट। राइट सर, बट सर हैप्पीनेस आपके लिए क्या है? इज इट द पीस ऑफ माइंड? क्योंकि लोगों के लिए हैप्पीनेस होता है कि अच्छा मूवी देख लेते हैं, अच्छा अब यहाँ पार्टी कर लेते हैं, अच्छा अब XYZ से मिल लेते हैं। सो व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू? वेल सी, द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम श्योर यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। हैप्पीनेस किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। हैप्पीनेशन की कोई डेफिनेशन देने की जरूरत, लेकिन आपने जो एग्जांपल दिया है वो छोटे छोटे प्लेजर्स। मैं गया एक शॉप में, एक रेस्टोरेंट में, और मैंने बर्गर खाया, मैं खुश था। दैट इज अ स्मॉल प्लेजर, राइट? मैं किसी एक लड़की के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गया, दैट्स ओके, इट्स अ स्मॉल प्लेजर। डांस राइट पार्टी में, झबुक झबुक लाइट में 2 घंटा धूम 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 डांस किया, इट्स फाइन, इट्स प्लेजर। तो ये सब भी ठीक है, ये सब भी अच्छी चीज है। बट आप समझो, हैप्पीनेस जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म है। एक्चुअली तो फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव दैट इज एटर्नल, दैट इज एटर्नल, राइट? ये प्लेजर्स जो है ना वो टेम्पररी है, वो सिर्फ थोड़ी देर का आपको राउस करेंगे, फिर वापिस नीचे करेंगे। सो प्लेजर्स आर ओके, प्लेजर्स आर ओके, बट हैप्पीनेस जो है वो हमारे माइंडसेट है। हैप्पीनेस बिल्कुल माइंडसेटनेस है, एंड वन कैन बी ऑलवेज वेरी हैप्पी। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हम इंडिया की बात करें शिवम, तो एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट इंडिया का, सत चित आनंद। भाई मैं कौन हूं, तो मैं सत्य हूं, मतलब कि हमारी जो लाइफ है वो ट्रुथ है। ट्रुथ इज नॉट फैक्ट्स, ट्रुथ। चित, चित आप बहुत ही, वो मेडिटेटिव नहीं बोलते आप, वैसे यू आर कॉन्शियस, आनंद। सो यू योरसेल्फ आर हैप्पीनेस। हम बॉर्न हुए हैं हैप्पी, ये तो हम पूरी कोशिश करके अपने आप को अनहैप्पी बना रहे हैं, अदरवाइज वी आर बॉर्न हैप्पी, राइट राइट? तो हैप्पीनेस इज अवर नेचर, ये एक फैक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है आपके मेरे लिए, अब हम इतने इवॉल्व नहीं हो चुके हैं कि गौतम बुद्ध बन जाए और महावीर बन जाए, कृष्ण बन जाए, अभी हम उतने इवॉल्व नहीं हुए। तो क्या होता है, थोड़े थोड़े कभी कभी परेशान भी रहते हैं। बट अब क्वेश्चन ये है कि 24 घंटे के दिन में थोड़ा सा खराब टाइम जाए, दैट्स ओके। थोड़ा सा कभी गुस्सा, थोड़ा सा कभी मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा, बट ज्यादातर टाइम आपका हैप्पीनेस पे जाना चाहिए, राइट? नेचुरली। और अगर वो नहीं जा रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ है। राइट राइट सर, एक वही चीज है कि एक तो हमारे नेचुरल संस्कार होते हैं जो कि हम हैप्पी जैसे हैप्पीनेस है, और एक अक्वायर्ड संस्कार्स हैं जो कि हमें अनलर्न करने की जरूरत है। अब हम प्लेजर्स ढूंढते रहते हैं, हैप्पीनेस को चेज नहीं करते। बट सर, हैप्पीनेस को चेज कैसे करना है? लाइक व्हाट आर द
गो टू थिंग्स इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, मेडिटेट करना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, बेसिक्स लाइक दिस, या कुछ स्पेशल करना चाहिए कि हम हैप्पी हों? प्लेजर से अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, द ओनली थिंग इज प्लेजर्स आर टेम्पररी, राइट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सिर्फ प्लेजर पे अटके रहे, सिर्फ प्लेजर पे अटके रहे तो थोड़े टाइम के बाद यू विल वंस अगेन गो बैक इनटू प्रोबेबली अनहैप्पीनेस. आपको एक्चुअली कोई कोशिश नहीं करनी है. अनफॉर्चुनेटली आपने जैसे संस्कार की बात, सी संस्कार का जो एक्चुअल इंडियन मतलब है वो मैं आपको बता. संस्कार का एक्चुअल मतलब ये है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो एंसेस्टर्स फोर फादर्स जो सीख के गए राइट, वो हमारी बॉडी में डीएनए के थ्रू पास ऑन हो रहा है. प्लस इंडिया कहता है कि वी आर अ कंटिन्यूअस एंटिटी राइट. जैसे वो होता है ना, ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर आइंस्टाइन का, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वैसे डिस्ट्रॉयड. ही वी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. हम सिर्फ बॉडी चेंज करते हैं, ये इंडियन कंसेप्ट. हम सिर्फ बिल्कुल बॉडी चेंज करते हैं, ये बर्थ है उसके बाद नेक्स्ट बर्थ होगा, 90 ईयर्स का हो गया, 100 ईयर्स का हो गया, अब मेरी बॉडी जो है ना वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, सो आई रिक्वायर अ न्यू बॉडी एंड दैट्स व्हाई एक डेथ होती है और उसके बाद एक वापिस बर्थ होता है. संस्कार का एक्चुअल मतलब ये है कि प्रीवियस बर्थ में आपने जो 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 एक्सपीरियंस किया था राइट, उसी को आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं, दैट इज संस्कार. तो ये तो हम एटर्नली लंबा लेके आए, बहुत कुछ लेके आए. अब बीच बीच में क्या हो रहा है, नॉट वेरी मच संस्कार, लेकिन हम अभी बहुत ज्यादा ओपन हो चुके हैं बहुत सारे सोशल मीडिया से और बहुत से लोगों से. पहले क्या होता था कि हम फिजिकली क्रिकेट खेलते थे अपनी गली में, तो 5 फ्रेंड्स होते थे, तो उन्हीं 5 लोगों से बात करते थे, उन 5 लोगों की अच्छाई हमारे ऊपर पास ऑन होती थी, थोड़ी कुछ खराबी होती थी वो भी पास ऑन होती थी, हमारी उनके ऊपर पास ऑन होती थी. टूडे बिकॉज ऑफ दिस व्हाट्सएप एंड योर स्नैपचैट एंड योर यू नो इंस्टाग्राम एंड ऑल, वेदर यू नो और नॉट, यू आर इन टच विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल. सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स लाइफ इज अफेक्टिंग एट द सेम टाइम दिस यूट्यूब एंड इन सो मेनी अदर मीडिया, ये आप कंटिन्यूसली कंज्यूम करते. अब आप समझ लो, मैं अगर रोज बनाना एप्पल ये सब कंज्यूम करूं तो मेरी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करेगी, और मैं रोज पिज्जा पास्ता कंज्यूम करूं तो अलग तरह से करेगी. तो वैसे ही हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर, जो इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम करेंगे हमारे माइंड को तो वही चीज असर करेगी. अगर मेरी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस जो मैं कंज्यूम कर रहा हूं उसमें ये है, से फॉर इंस्टेंस नेगेटिव न्यूज, दुनिया में लोग अब ये कर रहे हैं, यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, ये कंट्री इसके साथ लड़ रही है, अगर मैं कंटिन्यूस नेगेटिव चीज को एब्जॉर्ब करूंगा तो मेरे अंदर क्या आएगा, मैं लाइफ नेगेटिव हो जाऊंगा राइट. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये जो हम जो टोटल कंज्यूम कर रहे हैं वो कंजम्पशन के ऊपर थोड़ा हमें सोचने की जरूरत है कि क्या कंज्यूम करें और क्या नहीं करें. सपोज मैं बहुत बॉलीवुड टाइप का हूं और मैं पूरे दिन एक्टर्स क्या कर रहे हैं, एक्टर्स क्या पी रहे हैं, एक्टर्स क्या खा रहे हैं, एक्टर्स कौन सी मूवी कर रहे हैं, यही करता रहूंगा, तो फिर मेरे अंदर क्या होगा लाइफ में, मेरे दिमाग में यही सब चलता रहेगा, फिर मैं लाइफ उसी एंगल से देखूंगा. सो व्हाट यू कंज्यूम यू बिकम. सो आई थिंक वन मस्ट अंडरस्टैंड कि कंजम्पशन पैटर्न को सुधारना पड़ेगा एंड योर लाइफ विल बी मोर ब्यूटीफुल. राइट सर, वंडरफुली सेड. जैसे जैसे मतलब हमारी बॉडी है, हम फैट गेन करते हैं, सो यू आर व्हाट यू ईट कहते हैं. ऐसे ही हम कह सकते हैं जो फूड फॉर थॉट होता है हमारा, यू आर व्हाट यू थिंक, यू आर व्हाट यू सी. बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. एंड सर, आपने क्रिकेट की बात करी. सर, आपने बहुत पहले एक सेशन में कहा था, अगर शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है और सामने जसप्रीत बुमराह बैटिंग कर रहा है तो उसको परेशानी होगी, वर्सेस शोएब अख्तर के सामने सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा है तो अच्छे से चौके छक्के मार सकता है. सो अगर प्रॉब्लम सामने से आ रही है तो बैट्समैन कैसे, उस पर डिपेंड करता है. इस लाइन्स पे आपने कुछ कहा था सर. तो सर, पहले तो आपने, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है सर? पहले तो ये बता दूं कि जसप्रीत बुमराह का मैंने एग्जाम्पल नहीं आज दिया जस्ट था. मतलब टेल एंडर, टेल एंडर माय सर. माय कंसेप्ट इज दैट सी देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ बैट्समैन, एक राइट बैट्समैन जो कमजोर है हाँ और एक बैट्समैन जो बहुत अच्छा है. राइट अगर बैट्समैन बहुत ही अच्छा है, आपने मेरे फेवरेट पूछे तो सेफ फॉर इंस्टेंस सचिन तेंदुलकर नेचुरली आपके फेवरेट होंगे, विवियन रिचर्ड्स मैं पुराने जमाने को तो उनके फेवरेट होंगे, कपिल देव नेचुरली बहुत ही फेवरेट होंगे. तो ऐसे कई लोग फेवरेट है, एक नहीं है बहुत से लोग हैं. अब बिल्कुल एम एस धोनी भी हो सकता है, गांगुली भी हो सकता है, हाँ नेचुरली सचिन हो सकता है, एंड कपिल देव हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, एंड बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत सारे हैं. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया विवियन रिचर्ड्स, तो कभी न कभी मैं जब खेल देखता था तो मुझे तो अरविंद दिसलवा भी पसंद था,
श्रीलंका हाँ की 5 विकेट गिरी हो तो भी उसका एक एटीट्यूड था, राइट आराम से पहली बॉल पे स्ट्रेट ड्राइव स्मूथ लगाता। सो देयर आर सो मेनी गुड बैट्समैन एंड बॉलर्स एंड बहुत सारे क्रिकेटर्स, बट द कंसेप्ट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक टू इज, से इफ आई एम सचिन तेंदुलकर, इफ आई एम विवियन रिचर्ड्स, तो मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि सामने रावलपिंडी एक्सप्रेस है या सामने अनिल कुंबले है या सामने मुतिया मुरलीधरन है या चामिंडा वास है या एलन डोनाल्ड है, राइट, या मालकम मार्शल है, मतलब दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर भी हो ना तो भी मैं उनको अच्छा खेलूंगा, लेकिन अगर मैं कच्चा बैट्समैन हूं तो मेरे लिए रिस्क है, मेरे लिए प्रॉब्लम है। आई थिंक द सेम थिंग इज फॉर अस, हम जब भी लाइफ में कहते हैं कोई चीज टफ होती है तो एक्चुअली वो टफ नहीं होती है, हमने अपने आप को थोड़ा कमजोर बना के रखा होता है, राइट, और हम जो कहते हैं ये बहुत ईजी है तो एक्चुअली वो ईजी नहीं होती, हमने अपना लेवल ऊपर बढ़ा के रखा। सो इट इज वेरी मच अप टू अस हाउ वी लुक एट इट, वी मेक अवर लाइफ डिफिकल्ट और इजी। राइट सर, एब्सोल्युटली सर। एक चीज़ है कि मान लो मुझे अंदर से इंटरनली पता है कि आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट दैट अ गुड बैट्समैन, तो शैल आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि ओके आई एम नॉट गुड, आई हैव टू इम्प्रूव, वर्सेस कि नहीं यार मेरे को तो वैसा बनना चाहिए वैसा बनना चाहिए। सो हाउ डू आई स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग माई सेल्फ? एक गंदे बैट्समैन से अच्छे बैट्समैन कैसे बने रियल लाइफ में? Well, Shivam, first of all, my compliments to you. Honestly speaking, you know, I have taken part in more than 1,000 webcasts, but most of these webcasts were always in the case of financial management. Your very core competencies होती है राइट management accounting, sometimes on IFRS, sometimes on the institute's activities, board of studies, क्या कर रहा है, this or that, right? As a youngster, you are asking very pertinent questions, very smooth questions. You are picking up the things very well, which is for youngsters. I am very happy about it. और मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, मेरे लिए भी नया राइट एक्सपीरियंस है, संडे का दिन है, एकदम आराम से फ्री मस्त बैठा सर, हूँ, राइट, सही है सर, नॉर्मली वो सूट टाई पहन के वो प्रोग्राम दे रहा था, आज एकदम जींस पहन के बिल्कुल आया हूँ मस्त एकदम, एंड मजे से मेरा। तो देखो, पहली बात, मैं हो सकता है कि अच्छा बैट्समैन नहीं, तो मैं अच्छा बैट्समैन बनू कि ना बनू, भाई साहब अच्छे तो हम बहुत सारी चीजों में नहीं, जैसे मैं बहुत अच्छा गिटारिस्ट नहीं, जैसे मैं बहुत अच्छा बैट्समैन नहीं, राइट, जैसे मैं बहुत अच्छा वॉलीबॉल नहीं खेलता, तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आई गिव एन एग्जांपल, आई लाइक पियानो अलॉट, मैं पियानो बजाने में मुझे बहुत मजा, ठीक है, आई लाइक सिंगिंग अलॉट, एक जमाने में मैं सिंगर था, तो सिंगिंग मुझे बहुत पसंद है, तो उसमें मुझे अच्छा बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो मुझे पसंद है, राइट, मुझे वो पसंद है। सचिन तेंदुलकर को बैटिंग पसंद है तो एक बहुत अच्छे बैट्समैन बनने की उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए, बट जेवलिन थ्रो में उसको अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं, ए आर रहमान को म्यूजिक पसंद है तो उसको म्यूजिक में बहुत अच्छा बनने की जरूरत है, बट वो रोनाल्डो नहीं है तो उसको फुटबॉल इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले चेक करना पड़ेगा। वी कांट कंपेयर द फिश विद द मंकी। लाइक कोई अच्छी बैटिंग कर सकता है, कोई अच्छी बोलिंग करता है, कोई अच्छा पियानो बजाता है। सो इसी तरीके से लाइक हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या चीज हमें अच्छी करनी है और क्या चीज अच्छी नहीं भी करनी। उसको एबीसी एनालिसिस कर सकते, से आई एम अ हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, तो भाई मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूं उसमें तो मुझे ए कैटेगरी एकदम एक्सेलेंट होना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है ना। इफ आई एम अ फाइटर पायलट तो यार हवाई जहाज उड़ाने में तो आई हैव टू बी एक्सेलेंट, इफ आई एम अ क्रिकेटर, अगर मैं विकेट कीपर हूं तो यार स्टंपिंग में तो मैं एक्सेलेंट होना चाहिए। तो पहले तो ये है कि ए कैटेगरी जो मेरा प्रोफेशन है और जो हॉबीज मुझे डिफाइन करती है, जो मुझे पसंद है, तो उसमें तो मैं ए कैटेगरी हो सकता हूँ, फिर बाकी सब में क्या है ना, थोड़ा कम इंटेंसिटी पे बी और सी हो सकता है, राइट, जैसे मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, अब मैं फोटोग्राफी में बी कैटेगरी बन सकता हूँ, नॉट नेसेसरी बिल्कुल ए की ट्राई करें, हाँ ज्यादा पसंद है थोड़ा तो मैं सी कैटेगरी में भी नहीं रहूंगा, ऐसे ही कहीं भी सेल्फी ले ली, थोड़ी सेंस के साथ अच्छी फोटोग्राफी जरूर करूंगा। सो एनीबडी हैव टू थिंक इनटू इट कि वो लाइफ में एज अ प्रोफेशन क्या कर रहा है, उसकी हॉबीज क्या है, दोनों सेम हो सकती है, तो उसमें तो उसको बहुत अच्छी तरह से वर्क करके एकदम इंप्रूव करना है, उसमें उसको इन्वेस्ट करना है, बाकी सब में थोड़ा 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 इट्स फाइन। राइट सर। एंड बट एक एक इशू बहुत लोगों के साथ आता है, मेरे साथ भी कभी कभार ये आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि हम ए कौन सा है बी कौन सा है। क्योंकि तो मेरे को क्रिकेट खेलना भी पसंद है, मेरे को पॉडकास्ट करना भी पसंद है, मेरे को सीए की उस पढ़ाई में भी मजा आता है, ऑडिटिंग में भी मजा आता है। सो हाउ डू आई नैरो डाउन द ए? क्योंकि आई थिंक इट्स बेटर टू बी अ मास्टर एट वन और टू देन बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। सो हाउ डू आई नैरो डाउन द थिंग्स विच आई वॉन्ट टू डू?
Well, that's a very beautiful question. And believe me, there is, if somebody can find out this answer, then he can be a great human being. It actually does not happen. It's only over a period of time. What will happen with the passage of time, if you concentrate, that is one. If you are a little meditative, when I say meditative, meditation is not something very serious. Many people feel that meditation मतलब बहुत सीरियस होता है. जी नहीं, आप समझे. आप, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. हाँ जी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छा खासा ड्रिंक करते हैं, फिर बहुत मूड में आ जाते हैं. और अगर मैं ड्रिंक नहीं करता तो उनको लगता है आई एम ड्राई. ये उनका व्यू है कि दे आर वेरी हैप्पी, आई एम ड्राई. अब मेरा व्यू ये है कि यार तुम ड्रिंक करते हो उसके बाद ही तुम खुश होते हो. मैं तो बिना ड्रिंक के ही खुश हूं, राइट? तो प्लीज अंडरस्टैंड, मेडिटेशन और ये सब जो इंडियन कंसेप्ट है वो नेगेटिव नहीं थे, वो पैसिव नहीं थे, वो बोरिंग नहीं थे. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो सही मायने में मेडिट कर रहा था उसके चेहरे की खुशी ही अलग लेवल की थी. उसके चेहरे की खुशी, भाई कृष्ण फ्लूट बजा रहे हैं, वही मेडिटेशन. अब वो जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो साथ में पेड़ भी मेडिटेशन करने लगते हैं, और गाय भी मेडिटेशन करने लगती है, और गोपियां भी मेडिटेशन करने लगती है. दैट इज मेडिटेशन. सो इफ यू आर रियली वेरी हैप्पी फ्रॉम विद इन, इफ यू आर वेरी मेडिटेटिव, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा कि आपके लिए जो जो चीजें इतनी रिलेवेंट नहीं होगी वो धीरे धीरे थोड़ी ड्रॉप होंगी, और जो ज्यादा रिलेटिव होंगी रिलेवेंट, आप उस डिरेक्शन में धीरे धीरे जाएंगे. पर ये एक प्रोसेस है. अगर ये सिंगल शॉट में हो गया तो फिर आपकी लाइफ ही खत्म होगी. सो इट इज अ राइट प्रोसेस. व्हाट विल हैपन इफ यू आर मोर मेडिटेटिव ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, यू विल कम टू नो दैट दीज आर सम फ्यू थिंग्स विच आर मोर इंटरेस्टिंग एंड दीज आर सम फ्यू थिंग्स विच आर लेस इंटरेस्टिंग. यू माइट ड्रॉप समथिंग एंड यू माइट फोकस ऑन समथिंग. फिर क्या होगा, वंस यू ग्रो फर्दर तो उसमें और नैरो डाउन हो सकता है. एंड नॉट ओनली दैट, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी लाइफ की रिक्वायरमेंट चेंज होगी, राइट? एक 5 साल का शिवम की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, जब आप 1 साल के थे बलून आपकी रिक्वायरमेंट थी, राइट? व्हेन यू विल बी 90 ईयर्स, तब शायद हाथ में भगवत गीता हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये प्रोसेस एक फिक्स्ड नहीं है. अगर फिक्स्ड हो जाए तो लाइफ नहीं होती, वो डेथ होती. If it is life, it should be throbbing and it has to keep on continuously changing. Then it is beautiful. Stagnancy? No, it is not. तो आपको कभी भी लाइफ में एकदम क्लियरली नहीं पता चलेगा कि यही चाहिए. बट इफ यू आर मोर फोकस्ड, अगर आप एट ईज है, तो धीरे धीरे जो चीजें उस टाइम पे आपके लिए कम रिलेवेंट है वो फिल्टर हो जाएगी, और जो ज्यादा रिलेवेंट है आप उस तरफ जाएंगे. बट वापिस वही चीज, वो उस टाइम पे ज्यादा रिलेवेंट है, फिर आगे जाके वही चीज शायद उतनी रिलेवेंट नहीं है ना राइट भी हो, ना भी हो. मे बी एट एज ऑफ 20 क्रिकेट वॉज वेरी रिलेवेंट टू यू, एंड मे बी एट एज ऑफ 80 क्रिकेट नॉट बी नॉट दैट रिलेवेंट. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सही चीज आएंगी, सही चीज नहीं है वो धीरे धीरे चली जाएंगी. बट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप बहुत ही आपके दिमाग में हलचल मची हुई है, तो ये आपके केस में इतना इजी नहीं होगा. इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम. राइट सर राइट सर सर जैसे कि एक समुंदर होता है, उसकी अगर हम डेप्थ में जाते हैं वहां पे एकदम स्टिलनेस होती है, पर जो हलचल है वो ऊपर लेवल पे बहुत ज्यादा होती है। तो इसी तरीके से अगर हम अपना मेडिटेटिव एक्सपीरियंस भी डीप करेंगे, सो आई थिंक जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा वो सारा मतलब फोकस एक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सर एक क्वेश्चन ये है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइक कभी अप्स होंगे कभी डाउन्स होंगे, वी हैव टू ट्राई कि डाउन्स कम हो अप्स ज्यादा हो। यस बट सर जब डाउन आ रहा है तो उस फेज में व्हाट शुड वी डू, लाइक शुड वी टेक एक्शन, शुड वी वेट फॉर द स्टॉर्म टू पास, शुड वी सीक हेल्प, शुड वी डील ऑन आर ओन। तो जब वो डाउन फेज है तब कुछ याद नहीं आता, तब ये याद नहीं आता कि नहीं यार मैंने पहले ऐसे सोचा था, तो उस मोमेंट पे क्या सोचना चाहिए? आपने जो चारों चार चीज बताई, चारों चार हो सकते. सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट, बट जरूरत पड़ने पे यू माइट टेक सम एक्सटर्नल हेल्प आल्सो, दैट आल्सो फाइन. जनरली योर ओन सेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सटर्नल हेल्प. सी, व्हेनेवर देयर आर डाउन्स, यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन वेटिंग, राइट? बाय कीपिंग ऑन वेटिंग यू विल जस्ट प्रोलॉन्ग दैट पर्टिकुलर फेज. यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, राइट? यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू योरसेल्फ, राइट? ये जो डाउन आता है, ये जो डाउन आता है वो आने दो, आप अपना काम करते रहो. इसका ब्यूटीफुल एग्जांपल दे रहा हूं आपको. शिवम, जस्ट इमेजिन अ सीन. कल आपका सीए का रिजल्ट आने वाला है, राइट? और आ गया मान लो, और रिजल्ट आपने ऑनलाइन चेक किया तो पता चला यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. 5 दिन के बाद फिजिकल सर्टिफिकेट आया, मार्कशीट आई,
उसमें पेल लिखा है, कैसा पेल होगा आप? एकदम ब्रोकन? अरे यार, जज्बात 5 दिन पहले मैं पास हो गया था, सीए राइट बन गया, मैंने मिठाई बांटी सबको, पार्टी दे दी, और अचानक फेल हो गया। पर ऐसा हुआ तो था कि एक भाई साहब राजा बनने वाले थे, और राजा बनने के एक दिन पहले उनको पता चला कि नहीं भाई साहब, मुझे तो 14 साल वनवास जाना है। वॉज ही ब्रोकन अप? नो, ही इजिली एक्सेप्टेड, ही इजिली एक्सेप्टेड। भाई साहब राजा बनना था इतने बड़े देश का, इतने बड़े राज्य का। Right, he was going to be coronated as the king, and one day before he was told that sorry boss, आपको तो 14 साल के लिए वनवास जाना। He was okay, वो एक तरह से लाइफ का डाउन था ना, बट क्या वो खुद डाउन हो गए? नहीं हो गए। क्या वो खुद डाउन हो गए? नहीं भाई साहब, जंगल में जाना ये कोई 3 दिन का ट्रैकिंग का तमाशा नहीं है, एक्चुअल जंगल में जाना अलग बात है। राइट 2 दिन के लिए वो जंगल जैसी किसी जगह पे जाना, सेल्फी वेल्फी लेना और झरनों में नहाना, वो इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअल 14 साल के लिए जंगल में जाना, उस जमाने के जंगल में, राइट? राइट खूंखार जंगल में, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट ये वेरी पीसफुली एक्सेप्ट। प्रॉब्लम्स आए वहीं पर डाउन, भाई आपकी वाइफ किडनैप हो गई, वो वाइफ आपको बहुत पसंद थी, तो आपको तो रास्ता भी नहीं पता था, तब गूगल अंकल थोड़े थे जो श्रीलंका तक ले जाते, लेकिन आपने किसी तरह से रास्ता निकाल निकाल के एक माइटी किंग के सामने फाइट की, अपनी वाइफ को छुड़ाया। तो डाउन तो थे ना, एक डाउनफॉल तो था ना लाइफ का, लेकिन वो डाउनफॉल आपने मन में नहीं आने दी, आपने कंटिन्यूस एक्शन लेते रहे। सो डाउनफॉल इज अ ब्यूटीफुल स्पेस सर। अगर डाउनफॉल नहीं होता, ये सिचुएशन राम के लाइफ में नहीं होती, तो शायद आपको और मुझे राम पता ही नहीं पता चलता, ही नहीं होते राइट राइट? इंडिया में तो कितने कितने महान लोग हो गए, ये हुआ तो हमें पता चला, भाई 5,000 साल पहले कुछ हुआ था, आज हमें पता चल रहा है। डाउनफॉल जरूरी भी होता है लाइफ में, ये नेचर का अपना एक तरीका होता है, जैसे सीजन होती है, राइट? वो रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, राइट? वो जो कहते हैं कि शिकवे बहारों के फिजूल है, फूलों में कांटे, कांटों में फूल है, राइट? तो ये पतझड़ तो आना ही है और बहार भी आए हैं, अगर ये ना हो तो मजा क्या है। बाकी सर एक सॉन्ग रिकमेंडेशन आपको है, आपने सुना भी होगा, एक रॉकेट सिंह का सॉन्ग है, उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, उलझे नहीं तो कैसे सुलझोगे, वो गाना सुनना सर, वो भी इस एसेंस को बहुत प्यारे तरीके से समझाता है। राइट बिल्कुल सुनेंगे, हाँ मैं यस थोड़े पुराने सुनता हूं, लेकिन ये भी सुन लेंगे। हाँ यस सर यस सर। एंड सर एक आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जब आप लोगों को मिलते हैं या मतलब जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डू यू हैव अ हैबिट ऑफ जजिंग समवन? लाइक आप देखेंगे, अच्छा यार ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, क्या वो हमारी इनहेरेंट, जैसे आप कह रहे थे कि खुश रहना हमारा एक इनहेरेंट नेचर है, तो इसी तरीके से क्या जज करना भी इनहेरेंट नेचर है कि वो भी अक्वायर हुआ है? नहीं, वो एक्वायर हुआ, हमारा इनहेरेंट नेचर कभी किसी को जज करना नहीं, राइट? बट क्या होता है, मैं जनरली जज नहीं करता हूं, जनरल 100 में से 95% नहीं करता, लेकिन मैं भी एक बहुत साधारण सा आदमी, अभी तक इतना इवॉल्व नहीं हो गया, राइट? अगर कृष्ण बन जाते, राम बन जाते, तो जज नहीं करते, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, हमारा काम नहीं है किसी को जज करना, राइट? हमारा काम नहीं है किसी को जज करना। आप मेरी बात को समझो, मैं सचिन तेंदुलकर हूं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मैं ये जजमेंट लूंगा कि सामने वाला क्या बॉल फेंकने वाला है और मैं उसको कैसे हिट करूं, टू दैट एक्सटेंट तो जज करना पड़ेगा। मैं एक इंडिया का सोल्जर हूं, युद्ध के समय बॉर्डर पे हूं, तो ये जजमेंट तो लेना पड़ेगा कि सामने वाला दुश्मन कहां से क्या करेगा, टू दैट एक्सटेंट। बट यही सचिन तेंदुलकर, क्या बाद में जब साथ में सब बैठे होंगे तब सामने वाली टीम को जज करने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। उसी तरह से एज एन इंडियन, अगर मेरा पड़ोसी देश का कोई मेरे बाजू में बैठा है, तो मैं उसको जज करूंगा? नहीं करूंगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि हमें किसी को अननेसेसरी जज करने की जरूरत नहीं है, एंड ये जजमेंट अगर हम लेते जाएंगे तो आपके दिमाग की कितनी सारी एनर्जी उसमें ब्लॉक हो जाती है। जस्ट बी एट ईज, इस दुनिया में हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, राइट? सही गलत, उसको जो भी फील हो रहा है उसको करने दो। अगर आपकी ड्यूटी है उसको कुछ बोलने की, तो आप बोल सकते हैं, जहां आपकी ड्यूटी है जज करने की आप कर सकते हैं, अदरवाइज प्लीज डोंट जज। राइट सर राइट।
सर थोड़े एक अलग टेंजेंट पे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा था कि जो हम चीज देखते हैं वही हम बनते हैं, तो इसी तरीके से जैसे वेब सीरीज हैं, काफी सारी मूवीज हैं आजकल, उसमें वायलेंस कितना है आसपास ही, अगर इतना कुछ है तो हम ब्लॉक कैसे करें? लाइक अगर आप मॉल में जाओगे आपको दिखेगा अच्छा ये शॉपिंग ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, एक सेंस ऑफ क्या बोल सकते हैं, एक लैक आता है कि यार मैं ये भी नहीं ले सकता, शायद ये भी नहीं ले सकता। तो आज की दुनिया में ऑल अराउंड देयर इज सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी, कोई एक दूसरे को जज कर रहा है, कोई कपड़ों से कंपेयर कर रहा है, तो हम अपने आप को ब्लॉक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। देखो मैंने तो आज तक एक भी बार कोई वेब सीरीज नहीं देखी, मैंने नेटफ्लिक्स लगाया ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं नेटफ्लिक्स, अमेजोन कुछ है ही नहीं। अच्छा कई लोगों को लगेगा मैं ड्राई हूं, बट आई एम सो वेरी हैप्पी, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। अच्छा मैंने कभी टीवी भी ऑन नहीं किया, कई सालों से मैंने टीवी भी ऑन नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ रही, आई एम अदरवाइज सो वेरी हैप्पी। और आपने कहा मॉल में इतनी सारी चीजें दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, पर मॉल में तो हर चीज दिख रही है, हर चीज तो हम उठा के लाते नहीं है, बट सर राइट? एक सेंस रहता है कि मान लो आपने कोई गाड़ी देखी अच्छी, गाड़ी अच्छी है, उसका प्राइस टैग देखा, नहीं यार ये, मतलब मैं अपनी बात करूं जनरली, मतलब लोग एक सॉर्ट ऑफ 21 या 24 ईयर इंडिविजुअल की, यार नहीं यार ये अभी नहीं ले सकता मैं, या यार ये नहीं, तो एक सेंस ऑफ लैक लैक लगता है कि अच्छा आई कांट टेक दिस, अच्छा शायद ये अच्छा नहीं लगेगा। सो शॉपिंग मॉल की पूरी वाइब्रेशन ही थोड़ी नेगेटिव लगती है पर्सनली, आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए थोड़ा सा लैक लगे वो ठीक है, वंस अगेन ह्यूमन एटीट्यूड है, ह्यूमन माइंड है, बट अदरवाइज अदरवाइज इसी चीज का एक्चुअल लैक है नहीं। उस तरह से तो हम सोचे तो दुनिया में इतनी सारी चीजें, हमें तो ऑलवेज यही लगेगा लैकिंग है लैकिंग है लैकिंग है, एंड अगर मेरी एनर्जी लैकिंग वाली ज्यादा होगी तो मेरी लाइफ में और लैकिंग होगा। अगर मेरी एनर्जी लैकिंग है, अब यार रास्ते पे चलती कार पसंद आ गई, मान लो मेरे पास, चलो मैं मुकेश अंबानी, राइट, रास्ते पे जाती एक कार पसंद आई खरीद लूंगा, अरे यार उड़ता हेलीकॉप्टर पसंद आया मुकेश अंबानी हूँ खरीद लूंगा, फिर रास्ते चलती एक लड़की पसंद आए उसका क्या करूं? तो वो लिमिटेशन तो उनको भी है, वो लिमिटेशन तो उनको भी है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि लैक है। हाँ कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि भाई ये मुझे चाहिए, आप पॉजिटिवली सोच सकते हो, सी थोड़ी सी सेंस रख सकते हैं। अब जैसे आज से कई साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, आई डिड नॉट हैव मनी, तो तब कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता था, बराबर, तो तब शायद कोई अच्छा कपड़ा देख लिया, पर सोचा कि भाई सीए बन जाऊंगा, थोड़ा कमाऊंगा, उसके बाद इस लेवल पे जाऊंगा। अच्छा सीए बना, थोड़ा सा कमाया, राइट, तब तक कार नहीं खरीदी, एकदम पीसफुल एक रीजनेबली गुड रेंज में आ गया तो एक कार खरीदी, और फिर एकदम पागल नहीं हो गया कि अब ये खरीदे तो इसके बाद मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए और X7 चाहिए, दिस और दैट। थोड़ा सा ग्राउंड दिमाग सेंसिबल रखे तो लैक में नहीं रहेंगे सर आप, मैं ऑन द, आई हाँ एम सॉरी जी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको, बट सर मैं नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, अगर हम जनरली बात करें, यार शाहरुख खान कितना अच्छा एक्टिंग करता है, यार वो कितना अच्छा बैटिंग करता है, तो वो उसमें भी थोड़ा सेंस ऑफ लैक आता है, पर वो एक एक टर्म होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उस फोमो को हम जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट में कैसे कन्वर्ट करें? वेल सी वन थिंग, शाहरुख खान अपनी जगह पे है, वो हाँ एक्टिंग में अच्छा होगा, ठीक है। सचिन तेंदुलकर एक्टिंग नहीं कर सकते, वो राइट बैटिंग कर रहे हैं। राइट अब राइट सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं, एआर रहमान वो नहीं कर रहे हैं, एआर हाँ रहमान म्यूजिक बना रहे हैं, तो हर एक जन कुछ ना कुछ तो मिस करने वाला है। देयर इज नो सिंगल पर्सन जो सब कुछ कर ले, बराबर। फिर वो तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वाली बात हो जाएगी, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये लैकिंग नहीं है, ये बिल्कुल लैकिंग नहीं है। मुझे अपनी लाइफ में कुछ चीजों पे फोकस करना है और मुझे उसके ऊपर इंप्रूव करना है, दैट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। भाई आपको और मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है, अब मुझे तेलुगु तो नहीं आती, चाइनीज लैंग्वेज तो नहीं आती, लैकिंग फील नहीं हो रहा है ना? ठीक है यार नहीं आती है, नहीं आती, राइट नहीं आती है, पर एटलीस्ट इंग्लिश और हिंदी रीजनेबल रखे, दैट इज मोर क्रूशियल, तो हम उसके ऊपर काम करें। हर चीज तो हो भी नहीं सकती, करेक्ट हर चीज नहीं हो सकती, आप जस्ट एट ईज रहोगे ना, हर चीज एट ईज रहोगे, देन यू विल फाइंड योरसेल्फ कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, तो आपका लैकिंग का इतना फील नहीं आएगा। थोड़ा राइट थोड़ा आएगा, जब तक आप और मैं कृष्ण और बुद्ध नहीं बन गए, थोड़ा थोड़ा आएगा, थोड़ा इज ओके। इसको यूं कहते हैं, तो द बर्ड्स ऑफ ग्रिफ, मैं ग्रिफ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको किसी भी चीज में, द बर्ड्स ऑफ ग्रिफ विल फ्लाई ओवर योर हेड, डोंट अलाउ देम टू बिल्ड अ नेस्ट।
तो चाहे वो ग्रीड हो, चाहे वो लैकिंग हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो हेट्रेड हो, चाहे वो कुछ भी, जितनी नेगेटिविटी ले ले, लाइफ में थोड़ी थोड़ी है ना तब तक ठीक है, वो बहुत बढ़ जाए तो प्रॉब्लम है। थोड़ी थोड़ी रहेगी, मैंने आपको कहा, जब तक हम उतने इवॉल्व नहीं हो जाए कि हम गुरु नानक बन जाए, राइट, जब तक हम उतने इवॉल्व ना हो जाए कि हम राम बन जाए, तब तक थोड़ी थोड़ी, पर वो थोड़ा होना तो चलेगा, वो बहुत बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, दैट्स इट। राइट सर, एब्सोल्युटली सर। एक और चीज पूछनी है, जैसे मान लो मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ऑडिट कर रहे हैं, पूरी टीम है, दो दो सीनियर है, दो जूनियर है। जब दो जूनियर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आता है तो ठीक है आंसर कर दिया, नहीं आता तो थोड़ा लगता है कि यार मेरे को इतना भी नहीं आता क्या, तो एक थोड़ा वो माइंड में जाता है। अगर मान लो सीनियर बोलते हैं चलो वर्क पेपर्स दिखा दो ये वाले, वो वर्क पेपर्स 100% एफिशिएंसी, खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता कि बनाए हैं नहीं बनाए, नॉट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ एबिलिटी, बट बिकॉज आई एम ऑल्सो इन अ फेज ऑफ लर्निंग, तो वो उस मोमेंट पे थोड़ा अजीब सा लगता है। तो वो अजीब सा लगना वैलिड है या उसको कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए, अपने काम के अंदर थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन जरूरी है कि नहीं, मुझे और इम्प्रूव होना, मुझे और इम्प्रूव होना, मुझे और इम्प्रूव होना, क्योंकि ये तो हमारे प्रोफेशन की बात हो गई, राइट। मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है, अगर बाय चांस किसी प्रोग्राम में मैं अच्छा नहीं गा पाऊँ तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट डांसिंग इज नॉट माई फोर्टे, तो मैं डांस पार्टी में फ्री स्टाइल डांस करता हूँ, जैसे इधर उधर करके, नए गाने देखे नहीं होते तो सब यंगस्टर एक जैसी डांस स्टेप कर रहे हो, तो मैं समझ जाता हूँ ये कुछ आया होगा, अब मैं वो नहीं कर पाता, पर मुझे खराब नहीं लगता, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्टेड कि मुझे उसमें एक्सीलेंट होने की जरूरत नहीं है, इफ आई रीजनेबली डांस दैट इज गुड इनफ। एक चीज पूछनी थी कि आप फोन यूसेज काफी कम करते हैं, हमारी टॉक्स हो रही थी, तो सर उसको आप कैसे, आपका मन ही नहीं करता कि डिस्ट्रैक्शन रहती है कि क्या रहता है सर? सी, फोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रेक्शन है, ये एक फैक्ट है, राइट। वाइल आई वाज अ काउंसिल मेंबर, तब तो मेरी मजबूरी थी फोन यूज करना, उसका रीजन ये था कि एनी मेंबर हैज अ प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट हैज अ प्रॉब्लम, दे विल कांटेक्ट मी, एट द सेम टाइम आईसीआई का कोई भी ऑफिसर अपना इश्यू होगा मुझे कांटेक्ट करेगा। अभी मैं काउंसिल में नहीं हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना मोबाइल दिन में सिर्फ 2 या 3 ही बार यूज करता, दो तीन बार की दो सिर्फ दो तीन तीन बार यूज करता हूँ, लाइक ओके सुबह मैं मोस्टली सुबह 1 बार 8:30 या 9 बजे एक बार ओपन मैं ऑन करता हूँ मोबाइल, उससे पहले ऑन ही नहीं करता, और फटाफट फटाफट देख लेता हूँ मैसेज, इसका जो जो रिप्लाई करना है, 10 मिनट का टाइम स्लॉट है, दे देता हूँ जवाब सुनकर, अगर है तो, नहीं तो वो भी ठीक है। फिर उसके बाद मैं सीधा 12:30 के आसपास एक मोबाइल चेक करता हूँ, एंड फिर उसके बाद मोबाइल बंद कर देता हूँ वापस। आई एंश्योर दैट हर एक जन जिसने मैटर भेजे है मैं उसका रिप्लाई दे देता हूँ, आई क्लियर ऑल द ईमेल्स, मैं हर मैसेज का जवाब दे देता हूँ, हर फोन्स जो मुझे जिसके जवाब देने वो मैं दे देता हूँ, जो रूटीन है वो मेरा स्टाफ जवाब दे देता है, तो रात को भी ऐसा है, 9 बजे के बाद जंगले में बंद कर देता हूँ, या मोबाइल बाजू के रूम में रख देता हूँ, 9 बजे के बाद किसी ने मुझे कोई भी कॉन्टेक्ट किया, कोई भी मैसेज भेजा, मुझ तक नहीं पहुंचता, फिर वो मैं सुबह ही देखता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज मोबाइल अगर आपके बेडरूम में घुस गया तो वो बेडरूम नहीं है, वॉर रूम है। सर आई एम फाइटिंग अ वॉर सर। सर सही में सर, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है मेरे लिए भी एंड बहुत यंगस्टर्स के लिए भी। सबके लिए, सबके हाँ लिए, राइट, क्योंकि ऐसा इंटाइस करता है, ऐसी ऐसी चीजें जो कलर्स रहते हैं इसके, ऐसे ही डिजाइंड है कि हम उसको यूज करें, तो अगर हम वो साइड नहीं रखेंगे तो कंज्यूम करेगा ही करेगा हमको। सो बट इसीलिए मतलब आई वुड सजेस्ट, सी एज अ स्टूडेंट लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं आपकी पहले बात कर, हाँ राइट, अगर मैं काउंसिल मेंबर दूं, एज अ प्रोफेशनल मेरे जो भी मेरे ऑफिस का काम है, राइट, मैंने एक टीम रखी हुई है, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फोन आएगा वो मेरी टीम हैंडल करेगी, जो मुझे करना है वही मैं करूंगा ना, बराबर। अब मैं दिन में अगर 2 या 3 बार भी चेक करूं, अगर किसी के मिस हुए मैं वापस कॉल बैक कर दूं और मैटर सॉल्व कर दूं, तो मैं पूरे दिन फ्री रहा, राइट। प्रिफरेबली एज अ स्टूडेंट आपको ये करना चाहिए, मेरा सजेशन, सुबह राइट 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 9 बजे से पहले, 10 बजे से पहले ओपन ही मत करो, सो दैट इन द मॉर्निंग यू हैव टाइम फॉर योर मे बी एक्सरसाइज, योर स्टडीज, और फॉर मेडिटेशन और व्हाट एवर, ओपन ही मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। कोई बोले ना अर्जेंट हो तो आप और मैं कहाँ डॉक्टर है यार, क्या अर्जेंसी का टेंशन है, कुछ नहीं होने वाला है, बराबर।
उसके बाद क्या करो, बस वो थोड़ा देख लिया, 9-10 बजे देख लिया, स्टोरी जो करनी थी कर ली, उसके बाद बंद कर दो वापस। सीधा आफ्टर लंच प्रिफरेबली 10-15 मिनट के लिए ऑन किया, एज अ स्टूडेंट तो और कोई काम नहीं होता, मैं तो राइट बोलता हूँ उसको बंद कर दो वापस, फिर सीधा शाम को 5-6 बजे एक बार चेक कर लेना, राइट। राइट और रात को एक टाइम फिक्स कर दो, 8 बजे 9 बजे जो भी है, मोबाइल बंद मतलब बंद, और मोबाइल पे नो नेटफ्लिक्स है, नो दिस है, नो दैट एंड कुछ नहीं। राइट सी आई एम नॉट अपोज टू ऑल दिस थिंग्स, द ओनली थिंग इज दैट आपको अपने साथ टाइम चाहिए, अपने खुद के साथ, हाँ और हाँ खुद के साथ टाइम धीरे धीरे बिताते जाओगे ना, शुरुआत के दिन में अच्छा नहीं लगेगा। मुश्किल होता है सर, खुद के टाइम स्पेंड करेंगे तो ऐसी थॉट्स कभी कभार आती हैं जो कि इतनी प्लेजेंट नहीं रहती। फॉर एग्जांपल थॉट आएगी, यार अगर मान लो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, आई मीन साइलेंस कंप्लीट बाय माई सेल्फ, ये थॉट आ सकती है, एग्जाम आने वाला है, अच्छा ऑफिस में ये है वो है, विच आर सॉर्ट ऑफ अनकंफर्टेबल थॉट्स, तो हम अपने माइंड को क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं फोन से या किसी भी गैजेट से। तो वो अनकंफर्टेबल सिनारियो अगर मान लो डे वन पे मेरे को वो 10 मिनट अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो डे 20 पर वो 10 मिनट कम होते होते जाएगा, ग्राफ रहता है कि कैसे रहता है वो। वही चीज है, देखो शुरुआत में आपके जब आप अपने साथ टाइम बिताओगे ना, तो शुरुआत का टाइम थोड़ा बिटर होगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, बट धीरे धीरे अगर आप पॉजिटिवली अपने साथ टाइम बिताओगे तो वो टाइम आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एंड यू बी वेरी हैप्पी। लाइक मैं सुबह उठ के साइकिल लेके निकल जाता हूँ या वॉकिंग में निकल जाता हूँ, राइट, तो मैं मोबाइल लेके ही नहीं जाता, मैं मोबाइल लेके जाता ही नहीं, मतलब मोबाइल रखता ही नहीं, आई एम क्लियर अबाउट इट। आज भी क्या हुआ, मैंने सीधा आके, एक्चुअली मैंने आपको 11 बजे का टाइम दिया था, 10:45 को पहली बार मैंने मोबाइल उठाया सुबह 10:45, अभी भी मैंने सब मैसेजेस देखे नहीं है। आपका सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आज के जितने मैसेज उसको रिप्लाई कर दूंगा बंद, उसके बाद सीधा शाम को 7 बजे एक बार चेक करूंगा, संडे है क्या काम आ जाएगा, उसके बाद ऑफिस बंद। चाहिए ही नहीं सर, अपने खुद के लिए टाइम चाहिए नहीं चाहिए। सर आप खुद के टाइम में क्या करते हो सर? एक एक्सरसाइज हो गया, एक मेडिटेशन हो गया, आपका फैमिली टाइम हो गया, उसके अलावा लाइक आर यू अ रीडर, आर यू अ राइटर, कि उसके अलावा क्या करते हो आप? नहीं, मैं बहुत पुअर राइटर हूँ लेकिन रीडर अच्छा हूँ, सो आई रीड वेरियस बुक्स, हर तरह की, मैनेजमेंट की, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आई रीड दैट, प्लस मुझे पियानो बजाना पसंद है तो कभी कभी पियानो बजाता हूँ, बाकी सॉन्ग्स वॉन्ग सुनता हूँ, गाने का भी एक इंटरेस्ट है तो आजकल बाथरूम में गा लेते हैं, और ऑफकोर्स महीने में एक आध बार किसी प्रोग्राम में मौका मिलता है अरे तो सर पहले जैसा नहीं गाते लेकिन गा लेते हैं, किसी तरह से चल जाती है गाने, तो वो कर लेता हूँ। बाकी मोस्टली तो ये होता है टाइम जब रहता है ना तो कहीं वॉक पे निकल जाना इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। मैं यंगस्टर्स को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि नंबर 1, खाना खाते वक्त टीवी मत देखे, एंड टीवी देखने की जगह पे जब भी टीवी देखने का मन करे उससे अच्छा है वॉक करने निकल जाऊंगा, मुझे लगता है दैट इज मोर सेंसिबल, बट राइट आई एम नॉट अपोज टू टीवी और एनीथिंग, राइट मैं राइट सिर्फ आई ये गेट योर चाहता हूं कि पॉइंट। आप एकदम नेचुरल रहो, वो सो मच ऑफ आउटर मीडिया आप पे असर नहीं करे, आप नेचर रहो, दैट्स इट। राइट सर। एंड सर आपने बुक्स के बारे में बात किया सर, 3 रिकमेंडेशन सेल्फ हेल्प बुक्स अगर आप कोई देना चाहते हैं देखिए रिकमेंडेशन। बुक्स बहुत सारी है, हाँ बट बहुत सारी है, लेकिन आपके टॉप ऑफ द एक, माइंड। हाँ तो एक मैं आपको बताता हूं, बहुत छोटी सी बुक है, सिंगल रीड में खत्म हो जाएगी, बट ब्यूटीफुल बुक है, दैट इज बाय रिचार्ड बैच एंड दैट इज जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। ओके जोनाथन लिविंगस्टन सीगल इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक, एकदम छोटी सी बुक है, एक बर्ड उड़ रहा है उसमें, पूरी बुक में एक बर्ड उड़ रहा है पर वो बर्ड हम है। एक और बुक है जो बिजनेस के हिसाब से एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक बनती है, जैक ट्राउट की बुक है, डिफरेंशिएट और डाई, डिफरेंशिएट और और डाई डाई, दैट कैन आल्सो बी देयर। अच्छा उसके अलावा काफी सारी बुक्स है, जैसे आप ये द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी हो गया, राइट राइट या आस्क एंड यू विल गेट इट, ये एस्थर एंड जेरी हिक्स की बुक हो गई, राइट, ऐसी काफी सारी बुक्स है, काफी सारी बुक्स है। उसमें ओम स्वामी ने एक वेलनेस के ऊपर बुक लिखी है, अच्छा सो दैट इज ऑल्सो गुड, देयर आर सो मेनी गुड बुक्स। राइट सर। सो बुक्स पढ़ के लाइक यू गेट अ प्रॉपर इंसाइट या अलग पर्सपेक्टिव कि व्हाट कैन बी द रीजन, लाइक और लाइक इन इन अ फैक्ट इट इम्प्रूव्स योर सेल्फ टॉक राइट। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ तो सिचुएशन आ रही है, सो बुक्स पढ़ते हैं, सो आर बेसिकली सेल्फ टॉक इम्प्रूव्स। देखिए एक चीज समझे कि
कई ऑथर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ब्यूटीफुली एक आध बुक लिखी होती या दो बुक्स लिखी होती। अब उनकी पूरी जिंदगी का अगर एक या दो बुक पढ़ के अगर अपने को आ रहा है तो आई हाँ थिंक अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। एंड ऐसा नहीं होता तो आपको पढ़ाकू हो जाना है, ऐसा नहीं कि पढ़ाकू हो जाना राइट है। लेकिन अब देखो मेरे पास शाम को दो चॉइस, मैं बैठ के टीवी के सामने बैठूं और सास और बहू देखूं, ठीक है? देखो अगर मैं उसमें भी बैठ गया तो 1 घंटा में उसमें भी कंज्यूम हो जाऊं, राइट राइट? वहां पे एक्चुअली मैं उसको कंज्यूम नहीं कर रहा हूं, वो मुझे कंज्यूम कर रहा है। करेक्ट और उसकी जगह पे वही 1 घंटा कोई एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग मजा आया तो मार्केटिंग का पढ़ो, हाँ ब्रांडिंग अच्छा लगे तो ब्रांडिंग पढ़ो, स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगे स्पिरिचुअलिटी पढ़ो, जो भी अच्छा लगे वो पढ़ो। इवन आप यूट्यूब पे भी कुछ सेंसिबल वीडियोस मिलेंगे आपको। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होता है पता है, यूट्यूब और ये सब सोशल मीडिया में एक सेंसिबल वीडियो के साथ 5 नॉनसेंस आई चीज भी एग्री मिलने का चांस रहता है। अगर राइट आपके ऊपर खुद का नियंत्रण नहीं है तो ये करते करते कहीं और घुस जाओ। राइट मैंने सर भी जो यूट्यूब पे कई बार सर्च किया, जैसे मुझे चाणक्य में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं कभी यूट्यूब पे कभी गूगल पे कभी बुक्स पे चाणक्य पढ़ता हूँ। मुझे महावीर बुद्ध में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं उन पे पढ़ता हूँ। मुझे एक चीज में बहुत कंफ्यूजन है कि यार नेताजी सुभाष चंद्र ने क्या किया था और गांधी जी ने क्या किया था, और ये था वो था और इंडिपेंडेंस, तो मैंने उसके ऊपर बहुत सर्च किया, बहुत कुछ पढ़ा, इस साइड के व्यूज उस साइड के व्यूज। लेकिन होता क्या है, वो करते करते अगर वो यूट्यूब पे आ गया कि बॉलीवुड का ये मूवी, अब हो सकता है आपने उस पर क्लिक कर दिया, वो करते करते राइट उन्होंने कुछ और दे दिया और आपने उसमें से वाह वो क्लिक कर दिया, फिर राइट प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप ओरिजिनल से भटक जाते हैं। दैट इज करेक्ट वन ऑफ द चैलेंज। राइट सर सर जो भी आप बुक स्टार्ट करते हैं वो फिनिश करते हैं कि देर कभी कभी कभार कि आपको नहीं पसंद आ रही सो यू लीव द बुक हाँ नहीं पसंद आए तो नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, 300 रुपए की बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आप रात को सोते हो उससे पहले आपकी क्या थॉट आती है लाइक आर यू लाइक डू यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड या जनरली क्या थॉट्स रहती है रात को सोने से पहले दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मुझे इसमें अपने आप को सुधारने की बहुत जरूरत है, इसलिए जरूरत है। काउंसिल की लाइफ मुश्किल लाइफ थी। 9 साल तक क्या होता था, रोज सुबह शाम एयरपोर्ट पे होते थे, बस डेली सिटी चेंज करनी पड़ती, तो उसके वजह से थोड़ा शेड्यूल खराब हो गया। अदरवाइज रात को देखो कुछ चीजें करनी है। नंबर वन, 8 या 9 बजे के बाद मोबाइल बंद, टीवी बंद। आपकी जानकारी के बता दूं, मैं जिस फ्लोर पे रहता हूँ उस फ्लोर पे मैंने टीवी रखा ही नहीं, ना टीवी है ना गीजर है ना एसी है, मैं एकदम सिंपल, मुझे मजा आता है ऐसे ही रहने का, राइट? तो 8-9 बजे के बाद ये चक्कर ही लाना है, दैट इज फर्स्ट। अब उसके बाद आप क्या करिए कि आप स्टूडेंट है तो नेचुरली आप पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं अपने उस लाइफ में से बाहर हूं तो मैं कुछ ऐसी चीज पढ़ूंगा जो मुझे अच्छी लगती है। राइट अगर हो सके तो एक वॉक पे चला जाऊंगा, राइट? हो सके तो टेरेस पर बैठ के आराम से थोड़ी देर बैठ के, एकदम टेरेस एकदम अंधेरे में, राइट? और उसके बाद अगर हो सके तो 10-15 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन करने के बाद अगर आप सोते हैं तो आपकी स्लीप रियली बहुत ब्यूटीफुल हो जाए। एंड करेक्ट अगर आपकी स्लीप ब्यूटीफुल होगी तो मॉर्निंग एक्सपीरियंस आल्सो विल बी गुड। सो मुझे लगता है कि स्लीप कब डिस्टर्ब होती है, जब आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे होते हो तो आप देखो हर 2-2 मिनट में वो स्लीप चेंज हो जाती है। आप राइट इंस्टा इंस्टा के रील पे चले जाएंगे, हर 2-2 मिनट पे सब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, करेक्ट वो क्या बना रहा है दिमाग में? सोते वक्त नींद में वही आएगा, राइट वही आएगा, सिस्टम ही होती है, तो बस वो अवॉइड करना। बिल्कुल सर बिल्कुल एंड सर एक चीज पूछनी है कि हैव यू सीन फेलियर 100% यार, किसने फेलियर नहीं देखा? तो मेरे हाउ डू हिसाब यू से डील विद हर एक इट आदमी ने अपनी जिंदगी में एक सक्सेस हो गया तो 3 फेलियर भी देखे होंगे। बिल्कुल सी लेट अस बिल्कुल अंडरस्टैंड, फॉर्चुनेटली सीए की एक भी एग्जाम में मेरी अटेम्प्ट नहीं लगे, ठीक है? सीएमए की एग्जाम में एक भी अटेम्प्ट नहीं लगे, मतलब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए सीएमए एमबीए जो भी करना चाहता था वो सब करे, तो एजुकेशन में मुझे वो फेलियर नहीं दिखे। इन पर लाइफ लाइफ में किसी और चीज में फेलियर मिली होगी, कभी रिलेशनशिप में फेलियर, कभी फिनेंस में फेलियर, राइट? कभी हेल्थ में नक्की किया कि यार इस बार तो मैराथन दौड़नी है और नहीं दौड़े तो वो फेलियर हो गए। तो फेलियर सभी की लाइफ में आती है, राइट? एंड इट्स फाइन, इट्स फाइन। अब हमें चेक करना होगा कि जिस एरिया में फेलियर है क्या सच में वो एरिया में हमें काम करना है, अगर करना है तो फिर उसके ऊपर एफर्ट्स डेवलप कर डालेंगे और इंप्रूव करेंगे, और अदरवाइज डिलीट कि भाई ये करना ही नहीं है, चलो
राइट राइट राइट, तो इसका इससे आपको रिग्रेट तो नहीं होता ना कि यार उसमें फेल हो गया? लाइक वुड यू चेंज एनीथिंग अबाउट योर लाइफ व्हिच हैज हैपेंड इन द पास्ट, या नो रिग्रेट्स? सो सी रिग्रेट्स होना भी चाहिए अगर फेलियर ऐसी चीज में है जहां पे हाँ फेलियर नहीं होनी चाहिए थी, राइट? इस चीज को तो आपको करना करना और करना ही चाहिए था, फिर भी आपने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तो आपकी लेजीनेस है, कहीं ना कहीं तो आप इनरिस्पॉन्सिबल है, तो थोड़ा रिग्रेट तो होना चाहिए ना। थोड़ा राइट भी रिग्रेट नहीं होना मतलब ये तो बेशर्मी है, फिर तो आप जिंदगी में ग्रो ही नहीं करोगे। बट रिग्रेट पे टिक नहीं देना है, वही चीज है। देखो अगर मैं वापस वही रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं क्रिकेट मैच में गया, अब यार आई एम नियरली 50, अब मेरे को इतना अच्छा बैट्समैन हूं नहीं, दो बॉल में आउट हो गए, तो मुझे कोई इतना रिग्रेट नहीं होता क्योंकि मुझे पता है अब मुझे कोई वापस जाके विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर नहीं बनना। राइट बट अगर मैं सिंगिंग में कहीं से गा रहा हूं और बेस थोड़ा गाया तो मुझे थोड़ा खराब लगेगा, थोड़ा खराब लगेगा। मैं एक स्पीकर हूं, अगर आज मैं अच्छी स्पीच नहीं दे पाया तो मुझे थोड़ा खराब लगेगा। लगेगा और लगना भी चाहिए, राइट? और उस खराब के ऊपर से मैं अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर। राइट सर। एंड सर, जैसे आप कह रहे हो कि लाइफ है उसमें हम ग्रो करते रहते हैं, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, सर ऐसी आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली आए ही होंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड, अप्स एंड डाउन्स आर बाउंड टू हैपन, राइट? हाँ इफ देयर आर नो अप्स एंड डाउन्स देयर इज नो लाइफ, राइट दैट इज, आप यकीन मानिए अगर आपकी लाइफ में अप्स एंड अप्स एंड अप्स एंड अप्स होंगे ना तो आप पक जाओ। ओके, शायर ने कहा है कितनी मायूस है जिंदगी की खुशी, मुस्कुराता हुआ कोई गम दीजिए। इफ यू आर ओनली यू नो एवरीथिंग इज गोइंग राइट 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 राइट, आप ऊब जाओगे उस, आप उसको, अरे यार इकोनॉमिक्स का डिमिनिशिंग मार्जिनल लॉ समझ लो, या आप ये समझ लो आपको काजू कतली बहुत पसंद है, खाते रहो रोज काजू कतली काजू कतली काजू कतली, वॉमिट हो जाए, राइट? फिर किसी दिन तो समोसा चाहिए। सो लाइक दैट, हर वक्त अप्स 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 नहीं चाहिए, डाउन्स चाहिए। डाउन्स हमको डाउन टू अर्थ रहना भी सिखाती है, डाउन हमको ये भी बताती है कि हमने क्या क्या गलती की है जिसको सुधारने की जरूरत है, राइट? सो आई थिंक अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए, दैट इज फाइन। जैसे जैसे सर हार्ट बीट में भी अप डाउन हार्ट बीट रहती है बिल्कुल, उसकी, सिमिलरली लाइफ में भी अप डाउन है ही, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड लाइफ। एंड यस। सर लास्ट, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं मेरे को या मेरे जैसे ऑडियंस को? देखिए आपके जैसे यंगस्टर्स के साथ पहले तो मुझे बात करके मजा आता, और मैं बहुत सिंसियरली कहूं आज का अपना इंटरव्यू एकदम स्पॉन्टेनियस था, राइट? आपके भी दिमाग में जो क्वेश्चन आए आपने पूछे, राइट राइट मेरे भी जो दिमाग में आंसर आए थे, हमने कहीं पे भी इसको बहुत ही अच्छा फ्लावरी बनाने की कोशिश नहीं की, नहीं राइट? जो भी मैंने बताया नया कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये था कि इसमें से एक भी चीज अगर एक 20-24 साल के लड़का पिकअप कर ले और उसकी लाइफ में कुछ काम लग जाए थोड़ा सा, तो दैट इज गुड। आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो दिखा रहा है कि आप कौन हो और आप जिंदगी में क्या सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो। सो आपकी सोच बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जगह जा रहे हो, तो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ योर राइट लाइफ। मैं यंगस्टर्स को एक ही चीज कह रहा हूं कि बॉस लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल अगर आप अपने साथ टाइम बिताएंगे, अपने आप को रिकॉग्नाइज करेंगे आपको लाइफ में सच में क्या चाहिए और उसके ऊपर शांति से काम करते जाएंगे, यकीन यानी मजा आएगा, काम करने का मजा आएगा। अगर आप सोचो अगर आपको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है तो आपको चाहे कितना भी मुश्किल हो ऊपर चढ़ाई, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन मजा आता है कि नहीं आता। बिल्कुल सो मैं ये कह रहा हूं अपने साथ टाइम बिताइए, अच्छा खासा टाइम बिताइए, थोड़ा सा कट ऑफ करिए टाइम जो अनप्रोडक्टिव, थोड़ा सा कट ऑफ करिए जो अनप्रोडक्टिव है, एंड अब जो है आइडेंटिफाई करें आपको टाइम टू टाइम लाइफ में किस डिरेक्शन में जाना और उसके ऊपर जेन्यून एफर्ट्स करिए। यकीन मानिए नेचर ने आपके अंदर वो हर चीज भरी है जिसकी आपको जरूरत है, हर चीज भरी है, राइट? अगर वो नहीं भरी होती तो आप पैदा ही नहीं हुए होते। अगर आप पैदा हुए हैं इसका मतलब नेचर ने आपके अंदर वो हर चीज डाली है जिसकी आपको जरूरत है, सिर्फ ये है यू रिक्वायर योरसेल्फ, बस इतना एक छोटा सा मैसेज। राइट सर। एंड सर, मेरे एक रूम में एक मैंने पोस्टर लगाया हुआ था ये वाला, हैप्पीनेस इजंट समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग्स, वी मेक इनसाइड आवरसेल्व्स। तो सर आज पूरी यही इसी एसेंस पे हमने बात करी है दैट हैप्पीनेस इज इनसाइड अस, नॉट इन द आउटसाइड वर्ल्ड। बिल्कुल, आउटसाइड की भी असर है, वो प्लेजर एटी है ना सर, वो ट्वेंटी कर लेते, एटी प्लेजर। ट्वेंटी कर लेते, 80 अंदर से 20 हाँ बाहर से। राइट सर।
सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड हैविंग अ टॉक. मुझे बहुत 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 मजा आया. एंड थैंक यू सो मच सर. जब आप यहाँ पे आओगे जरूर इन पर्सन भी कभी मिलेंगे. श्योर श्योर डेफिनेटली, एंड यू आर यस मोस्ट वेलकम टू कम टू माय प्लेस एनी टाइम। आप अगर श्योरली सूरत आ रहे हैं तो आप मेरे घर पे रह सकते हैं, एंड मैं आपको सूरत घुमा सकता हूँ जैसे मेरी शहर है। राइट, मैं बिल्कुल. घुमाने में बहुत अच्छा हूँ, घूमने में बहुत अच्छा हूँ, दैट आई कैन डू। डन सर, डन. थैंक यू सर, थैंक यू. वेलकम।